अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप सब दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। और आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम बात करने वाले हैं पिंट्रस्ट ऐप के बारे में। आपने सुना ही होगा यार इसका नाम। अगर आपने सुना ही होगा तो यकीनन दोस्तों आप वीडियो ये भी देखने आए होंगे कि हम इसे किस तरह से यूज कर सकते हैं। देखो भाई, पिंट्रस्ट ऐप से आप पैसे भी कमा सकते हैं और आज मैं आपको ये कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि आप इस ऐप को किस तरह से यूज कर सकते हैं। इसके अंदर आपको ट्रैफिक जो है वो अनलिमिटेड देखने को मिलती है। अगर आप दूसरे सोशल मीडिया के ऊपर आप इस ट्रैफिक को लेकर जाना चाहते हैं वो भी आसान होता है। आप किसी वेबसाइट के ऊपर अलग चीजों के ऊपर आप ट्रैफिक लाना चाहते हैं तो यकीनन दोस्तों ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है जिस पे दोस्तों आप अपनी ट्रैफिक को दूसरी जगह भी लेकर जा सकते हैं और इसके अंदर आपको ज्यादा पिंट्रेस्ट के अंदर जो है वो ट्रैफिक भी देखने को मिलती है। अगर दोस्तों आप फेमस होने का सोच रहे हो या आप गूगल पे के ऊपर जो है वो आप अपनी फोटोज को लाना चाहते हैं तो मतलब अलग अलग चीजें इसके अंदर होती है जो आप अगर इसके अंदर फोटोज को वीडियोज को अपलोड करते हैं तो इजीली दोस्तों आप पैसे के साथ साथ आप कुछ खास भी कर सकते हो। अगर पिंट्रेस्ट के ख्वाब देख रहे हैं कि यार हम इसे यूज करना सीख ले तो उसके बाद अगला प्रोसेस भी शुरू करेंगे, लेकिन दोस्तों अगर आप इसे सीखना चाहते हो, यूज करना चाहते हो तो चलिए दोस्तों मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं और आपको इसे किस तरह से यूज करना है और इसका यूज क्या है और इसके अंदर आप किस तरह से पोस्ट अपलोड कर सकते हो। इसके अंदर आप जो है वो क्लिकेबल जो है वो आप लिंक भी एड कर सकते हैं जिससे दोस्तों यूजर इस ऐप के ऊपर आता है वो लिंक देखता है, लिंक के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं, किसी दूसरे सोशल मीडिया के अंदर वो एड हो सकता है और आपकी जो ट्रैफिक उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जा सकती है। तो चलिए यार वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि हमें पिंट्रेस्ट ऐप को किस तरह से यूज करना है। ओके गाइस, तो यहाँ पर आ चुके हैं भाई पिंट्रेस्ट ऐप लेकर, जो कि आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि हम किस तरह से पिंट्रेस्ट ऐप को यूज करेंगे और इसके क्या फायदे हैं जो आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे, आपको एक खास खास चीजें बताऊंगा जिसका आपको फायदा भी हो और यकीन के तौर पर आप सुन के एक बार जरूर हैरान होंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हमारे पास पिंट्रेस्ट ऐप मौजूद है, हम इसको कर लेते हैं ओपन। जब आप पहली बार ओपन करोगे ना कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस देखने को मिलता है। सबसे पहले आपको जब इसको पर अकाउंट बनाना चाहिए, अकाउंट बनाना भी पड़ता है, ठीक हो गया। यहां से आप फेसबुक से भी कनेक्ट कर सकते हैं, गूगल से भी कनेक्ट कर सकते हैं, ईमेल से। अगर आपने पहले से लॉगिन किया हुआ है, मतलब साइन अप किया हुआ है, तो आप यहां पर ईमेल एंटर करके तो आप लॉगिन हो सकते हो। लेकिन अगर आप गूगल से यहां पर कंटिन्यू करना चाहते हैं किसी भी ईमेल को दोस्तों, यहां पर दोस्तों आपने उसको सिलेक्ट करना है और यहां पर दोस्तों जब आप सिलेक्ट करोगे फर्स्ट टाइम दोस्तों आपके पास ये पेज जो है वो कुछ इस तरीके से ओपन होगा। अब यहां पर देख सकते हो दोस्तों हमारे पास कुछ इस तरीके का है जो कि काफी वीडियोस भी देखने को मिलती है, फोटोज भी देखने को मिलती है और यहां पर दोस्तों वो सारी फोटोज आपको यहां पर देखने को मिल जाती है। अब किसी भी यहां पर आप जो है वो क्लिक कर से और यकीन के तौर पे दोस्तों आपको बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिल जाती हैं। सो अब यहां पर जो लाइव यहां पर आपको वो चीजें देखने को मिलती है, सो वो चीजें भी आप यहां पर डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, अब यहां पर दोस्तों आपको जो है वो यहां पर कैटेगरीज भी देखने को मिलती है, आप कौन सी कैटेगरी सिलेक्ट करना चाहते हैं। देखो यूज के बारे में मैं आपको ज्यादा चीजें नहीं बताना, मतलब यहां पर चीजें बताऊंगा, लेकिन यहां पर अभी आप देख रहे हो कि हमारे पास जो है वो यहां पर हमारा ईमेल भी शो हो रहा है। खैर, यहां पर अगर आप प्रोफाइल लगाना चाहते हैं तो यार हर बच्चा जानता है प्रोफाइल लगाना, प्रोफाइल को सेट करना, ये चीजें मैं आपको नहीं बताऊंगा लेकिन मैं खास पॉइंट आपको बता देता हूं। अच्छा, जब भी यहां पर क्रिएट का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, ठीक हो गया, यहां पर दोस्तों आईडिया मतलब यहां पर आईडिया पिन देखने को मिलता है और पिन देखने को मिलता है और बोर्ड देखने को मिलता है। सो आपने बोर्ड के ऊपर क्लिक करना है। जब आप बोर्ड के ऊपर क्लिक करोगे यहां पर अपना क्रिएट बोर्ड बना सकते हो। यहां पर दोस्तों आप किसी भी टाइटल लिख दीजिएगा, टाइटल लिखने के बाद यहां पर मैं आपको एक सीन बता रहा हूं। अच्छा, अब यहां पर पिन आपने ऐड करनी है जो आप किसी भी फोटो को ऐड कर सकते हैं, किसी भी चीज को ऐड कर सकते हैं, वो यहां पर इसके अंदर आपने ऐड करनी है। अब मान लीजिए दोस्तों यहां पर मैंने जो है ऐड कर दी, दोबारा से यहां पर आपको प्लस का ऑप्शन देखने को मिलता है, यहां पर क्लिक करो। यहां पर क्लिक करने के बाद आपको पिन पे क्लिक करना है, ठीक हो गया। पिन पे जब आप क्लिक करोगे सारा पेज यहां पर आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहां से दोस्तों मान लीजिए दोस्तों मैं इस ऐप को जो है वो मतलब एक फोटो है जो मैं आपको अपलोड करके दिखाता हूं। सो यहां पर अभी आप देख सकते हो, यहां पर अगर आपके पास किसी चीज का लिंक मौजूद है ना तो वो लिंक आप यहां पर ऐड करें। यहां पर पहले तो आप टाइटल लिख दो, ठीक हो गया। टाइटल लिखने के बाद यहां पर दोस्तों आपने साथ में इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो आपने इसका लिंक पेस्ट कर देना है। अब यहां पर दोस्तों जो है वो मैं यहां पर गूगल ट्रांसलेट लिख देता हूं, ट्रांसलेट लिख दिया, ठीक हो गया। यहां पर मैं वो लिंक यूट्यूब को हो, चाहे किसी भी सोशल मीडिया को, चाहे किसी भी चीज का हो, अगर मैं यहां पर लिंक ऐड कर दूंगा ऐड का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक हो गया। यहां पर वेबसाइट का ऑप्शन
देखने को मिला ना, यहाँ पर आपने वो चीज़ इंटर करनी है कि आप यहाँ पर कोई भी वेबसाइट इंटर कर सकते हैं। ऐड पे आप क्लिक करके कोई भी वेबसाइट यहाँ पर इंटर करें, ठीक हो गया। अच्छा, डिस्क्रिप्शन के साथ दोस्तों आप जो वो नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने पेश किया जाएगा। कीप ऑप्शन के ऊपर, मतलब यहाँ पर आपने एक बोर्ड क्रिएट किया था, आप उसके अंदर सेव करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप पेस्ट कर सकते हैं, नहीं अगर आप नहीं करना चाहते तो आपने नीचे उसके ऊपर क्लिक कर देना था। सो यहाँ पर दोस्तों आप पोस्टर्स वगैरह अपलोड करके यहाँ पर पिंटरेस्ट के ऊपर आप व्यूज हासिल कर सकते हैं और पैसे भी आप इजीली कमा सकते हैं, वो अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। बाकी यहाँ पर यूज के बारे में आज हम जाना है। तो उम्मीद करता हूँ यार वीडियो अच्छी लगी होगी, एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक साथ।